तो वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने संसद के अंदर विपक्ष के हंगामे पर कहा कि विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि कैसे मोदी जी गरीबों की मदद कर रहे हैं। इन सबको लेकर हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने सांसद मनोज तिवारी से की खास बातचीत। लोकसभा सांसद मनोज तिवारी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवन टीवी पर। सर, पूरा शीतकालीन सत्र बीतने को है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की अभी तक मंशा क्लियर नहीं हो पाई है। कभी पैदल मार्च करते हैं, कभी अपनी एकजुटता को मार्च दिखाते हैं, आखिर क्या मंशा है विपक्ष? देखिए, ये लोग जब सत्ता में थे तो ये लोग करप्शन में, लूट में, व्यभिचार में सरकार को समाये हुए थे। अब इस देश में गरीबों का घर बन रहा है, गरीबों को फ्री दवाइयां मिल रही हैं, किसानों के अनाज का अच्छा कीमत मिल रहा है, हर क्षेत्र में बच्चे स्किल्ड हो रहे हैं, तो अब इनको परेशानी तो होगी। तो इनका एकमात्र उद्देश्य है कि हमने कुछ नहीं किया तो नरेंद्र मोदी को भी कैसे करने दें। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ हमने किया है, हमें बहुत कुछ करना बाकी है अभी, तो ये हमारे स्पीड को रोकना चाहते हैं। मैं समझता हूँ देश देख रहा है, हम स्पीड को रुकने नहीं देंगे। हम उस हल्ला गुल्ला के बीच भी जो देश को काम करना है वो कर रही है। सर, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवाई देने से 3 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन पंजाब में जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार कर और वहां पर कहते हैं कि बिजली का बिल जीरो कर देंगे, जो कूड़े के ढेर हैं वो हम बिल्कुल घटा देंगे पंजाब में। यहां पे दिल्ली में कूड़े का ढेर है, उसको घटाया? घटाने का कोई उपाय भी किया? एक स्टेप भी उठाया? ये देखो, अरविंद केजरीवाल के मॉडल में मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास था, तो वर्ल्ड क्लास मोहल्ले क्लिनिक की दवाइयों से बच्चे मर गए, पूरा देश हिला हुआ है। और उसका नुकसान दिल्ली मॉडल को ही नहीं, पूरे दिल्ली के इमेज को हुआ है। तो इस व्यक्ति ने पूरे दिल्ली के इमेज को धक्का पहुंचाया है, और इसका जवाब भी गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बहुत जल्द देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।